हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की, सोल्वेशन एनर्जी की बात की। अब हम देखेंगे कि क्या होगा सोल्वेशन एनर्जी का अगर सोल्वेंट बदल दिया जाए। सपोज बच्चों, हमारे पास दो आयन है, लिथियम आयन और दूसरा भी लिथियम आयन है। दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों का साइज सेम है, बट इस बार हमने दोनों का मीडियम बदल दिया, दोनों का सोल्वेंट चेंज कर दिया। लिथियम आयन को किसी पोलर सोल्वेंट में ऐड किया, इस लिथियम आयन को पोलर सोल्वेंट में, इसे किसी नॉन पोलर सोल्वेंट में ऐड किया, नॉन पोलर सोल्वेंट में। क्या दोनों की सोल्वेशन एनर्जी सेम होगी? क्या वहां जब ये सोल्वेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो उस अट्रैक्शन से निकलने वाली एनर्जी क्या दोनों सोल्वेंट के केस में एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम आयन और सोल्वेंट का इंटरेक्शन अलग अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, राइट, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। यहां जो कि हमारा ये पोलर सोल्वेंट है, इसका मतलब इस सॉल्वेंट के पास डाइपोल है और डाइपोल का मतलब है कि हमारा लिथियम आयन उस डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इस ज्यादा इंटरेक्शन यहां होगा न कि यहां, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, यहां कोई डाइपोल क्रिएट ही नहीं हो रहा। अगर डाइपोल क्रिएट ही नहीं हो रहा तो नो इंटरेक्शन आइदर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर हमारे पास दोनों पोलर सोल्वेंट है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, दोनों ही पोलर सोल्वेंट है, ये भी पोलर सोल्वेंट है, और मान लेते हैं इस लिथियम आयन को भी हमने किसी पोलर सोल्वेंट में ही ऐड किया, पर दोनों सोल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग है। सपोज यहां वाटर है और यहां अमोनिया। अब सवाल उठता है कहां सोल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कहां इंटरेक्शन ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली जो ज्यादा पोलर होगा, जिसे हम मैथमेटिकली अगर बात करें, फिजिक्स की फॉर्म में अगर बात करें, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि हम जानते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, जो बहुत ज्यादा है, राइट। इस ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन, इसके पास जब वाटर आएगा तो वाटर बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूं अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब उस डाइपोल, यानी ये डाइपोल है हमारा जो सॉल्वेंट का डाइपोल है वो, और इस आयन का इंटरेक्शन कम होगा। ओके, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उस सॉल्वेंट में, जब सोल्यूट आयनिक कोई आयन आएंगे तो सोल्वेंट उतना ही उस आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ज्यादा इंटरेक्शन का मतलब है ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब जो ज्यादा पोलर सोल्वेंट होगा उससे सोल्वेशन एनर्जी, जब आयन उसके अंदर एंटर करेंगे तो उसकी सोल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो सोल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम है। तो इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो मेरे साथ कीजिए बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है कि ये बताइए कि ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज द ऑर्डर। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास सपोज पांच सॉल्यूशन है, सॉरी चार सॉल्यूशन है, राइट। यहां इस सॉल्यूशन में लिथियम आयन है जिसके चारों तरफ वाटर ने इसे हाइड्रेट किया हुआ है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन को भी वाटर ने हाइड्रेट किया हुआ है, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन को भी वाटर ने हाइड्रेट किया हुआ है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहां पोलर आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। तीसरा चौथा सॉल्यूशन है, इसमें रुबेडियम आयन को वाटर ने हाइड्रेट किया हुआ है। आप चाहते हो कि कोई
दूसरा सब्सटेंस आए और यहां से इस आयन को हटा दे और कोई दूसरा आयन वहां एक्सचेंज कर दे, सपोज मैं इन चारों में कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करता हूं जिसमें एक्स नाम का कोई आयन है, एक्स वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, लिथियम आयन इसके पास आ जाएगा, यहां पे सिमिलरली एक्स वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, सोडियम आयन इसके पास आ जाएगा, तो एक्स सपोज लिथियम को एक्सचेंज कर रहा है, यहां यहां वही सब्सटेंस एक्स सोडियम को एक्सचेंज कर रहा है, सोडियम इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट पे आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे आ जाएगा और एक्स वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, वाटर में चला जाएगा, तो इससे एक्सचेंज हो जाएगा विद लिथियम आयन, ये एल्कली मेटल, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहां लिखा है द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल जिसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको एक्सचेंज करना है, मतलब उसको वहां से हटाना है और किसी दूसरी चीज को वहां लेके जाना है, ये सबसे आसानी से किसमें होगा, वो कौन सा आयन है, लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम, जो इस एक्स से एक्सचेंज हो जाएगा। सोचिए बच्चों, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, जो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है उसे वहां से हटाना उतना ही मुश्किल है। लिथियम आयन जैसा कि हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये यहां से हटकर सॉल्वेंट से निकलकर इस इनऑर्गेनिक सोल्ट के ऊपर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर नहीं है, सबसे मुश्किल से आएगा, सबसे आसानी से रुबिडियम सॉल्यूशन को छोड़कर इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे आएगा या एक्सचेंज हो जाएगा एक्स से। तो हम जाएंगे, हम कहेंगे कि रुबिडियम सबसे इजीली एक्सचेंज होगा, सॉल्यूशन को छोड़कर कहीं और चला जाएगा और रुबिडियम की जगह कोई दूसरी चीज वहां आ जाएगी, तो सबसे आसानी से अगर वहां से किसी को हटाया जा सकता है तो रुबिडियम है। तो ईज ऑफ आयन एक्सचेंज सबसे आसान, सबसे ज्यादा रुबिडियम में देखने को मिलेगा, फिर पोटेशियम में क्योंकि साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटा मतलब वाटर ने इसे ज्यादा घेरा हुआ है, और थोड़ा छोटा हो गया, वाटर ने बहुत ज्यादा घेर रखा है इसे, लिथियम जो कि हाईली हाइड्रेटेड है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है कि ये बताइए कि सबसे कम आयनिक मोबिलिटी इनमें से किस आयन की होगी जब उसको इसके सोल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें रखा जाएगा, मतलब जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का सोल्ट सपोज पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम का मान लो रुबिडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम का सपोज लिथियम क्लोराइड हो गया, सोडियम का सोडियम क्लोराइड हो गया, तो ये सोल्ट है इनके, राइट। तो अब देखिए द आयनिक मोबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयंस इज लोवेस्ट, सबसे कम आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी जब व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्ट आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, एक बैटरी लगा दूं, यहां पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, पॉइंट टू बी नोटेड, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट में नहीं है पोटेशियम क्लोराइड, राइट, सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो किस आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियसली पोटेशियम आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो कौन सा आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ सबसे तेजी से मूव करेगा, राइट, कौन सबसे ज्यादा मोबाइल होगा, तो जो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है, जो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, जो सबसे कम हाइड्रेटेड है उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम पूछता तो हम रुबिडियम के साथ जाते, यहां आयनिक मोबिलिटी लोवेस्ट पूछी गई है, तो हम जानते हैं लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी की वजह से वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड का मतलब उसकी मोबिलिटी लोवेस्ट होगी।